लोग मेहनत नहीं करना चाहते और बोलते दूसरे से कि दो रोटी का सवाल है, क्या करना है। तो दो रोटी तुमको सवाल है, 200 रोटी को किसको सवाल है। अगर यही बात मुकेश अंबानी सोचते, टाटा बिड़ला सोचते, यही बात महिंद्रा कंपनी वाला सोचता, आनंद महिंद्रा, तो दो रोटी के लिए फिर थोड़ी कंपनी खोलता, उसको दो रोटी मिल जाती और उसकी कंपनी न खोलती। टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी में 800,000 लोग सर्विस कर रहा है बेंगलोर में, 800,000 लोग। अगर वो दो रोटी की बात सोचता, वो कंपनी न खोलता, तो 8 लोगों के परिवार कहाँ पलते, देश में गरीबी आ जाती। मुकेश अंबानी ने दो रोटी की बात सोचता और काम ही ना करता, दिमाग ना लड़ाता, तो आज उसके साथ में कम से कम 20-30 लाख लोगों के परिवार पल रहे। याद रखना, अगर कुदरत ने आपको माइंड दिया है, दिल दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, तो इसको इतना प्रयोग करो, इतना प्रयोग करो, इतनी उन्नति करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी बुद्धि के फाइनल डिसीजन से कम लाखों लोगों के परिवार पलने चाहिए, तभी तुम मानव कहला सकते हो। साधु बनो तो साधु में भी कस के मेहनत करो, इसमें भी मेहनत की जरूरत। जिस आश्रम में रहो उसको चमकाओ, या जिस मंडली में हो उसको आगे बढ़ाओ। अब जिस मंडली में हो उसी मंडली को बिगाड़ रहे हो, वहीं पर उसी थाल में खाते उसी थाल को फोड़ रहे हो, उसी पत्तल में खाते उसी में छेद कर रहे हो। ये चंडाली क्यों नहीं छोड़ते हो? आश्रम को सत्यानाश क्यों मार रहे हो? आश्रम को खुराफात का केंद्र बना रहे हो? आश्रम में पाठ पूजा भी करो। कितने साधु ने तो पाठ पूजा बंद ही कर दिया है, और पाठ में बैठता है तो खाली बैठा रहता, मुंह से बोलता नहीं, और पाठ खत्म होने के बाद इतनी अंग्रेजी बोलता है कि सबको बेहोश कर देता है, बहुत बेअकली का काम करता है। पाठ नहीं करते, पूजा नहीं करते, ये क्यों नहीं करते हो? वहां चुप्पे बैठे क्यों हो पाठ में? ये भक्तों की रोटी खाते क्यों हो? क्यों साधु बने हो? वो बताया था मेरे को अमेरिका का जगदीश भाई पटेल, बोला था कौन तुमको बोला था साधु बनो, तुम क्यों वो राम रहीम वाला कांड हुआ जब, उस समय वो मेरे पास आया मध्य प्रदेश के सत्संग में, जलोदिया ज्ञान में, इंदौर जिले में, छत पे मेरे साथ परिक्रमा कर रहा था। आज जैसे भूपेंद्र भाई और रजन भाई मेरे साथ परिक्रमा करते थे, मैं छत पे चलता हूँ 1 घंटे तक। तो उसकी चर्चा चली तो बोला, ये राम रहीम से कौन बोला था तुम साधु बनो? जब तेरा मन कंट्रोल नहीं तो साधु क्यों बनता है? तू शादी कर, गृहस्थी बना, लेकिन किसी को शायद पता नहीं होगा राम रहीम गृहस्थ है, उसके पत्नी बच्चे उसका बेटा ही आश्रम का मैनेजमेंट करता है। ये गृहस्थ लोगों ने झूठ मूठ संत श्री श्री लिख करके संतों को बदनाम किया है। ये रामपाल जो था ये भी गृहस्थ है, ये भी इसके पत्नी बच्चे सब वहीं आश्रम में रहकर डीलिंग करते। भगत भी अंधा है, विवेक नहीं है, देखना भी चाहिए, पता भी लगाना चाहिए, खोज करना चाहिए कि जिसको गुरु बनाने जा रहे हो ये है कौन, ये सड़ा गला माल क्यों खरीद रहे हो? अच्छा गुरु हो, सच्चा गुरु हो, ब्रह्मचारी गुरु हो, वैराग्यवान गुरु हो, साधु गुरु हो, अब ये कैसा तुमसे ज्यादा गिरा गुजरा वो भोगी भ्रष्ट गुरु बना बना के बैठे हो? जहाँ भीड़ देखते हो वहीं कहते हो ये गुरु बहुत बड़ा होगा। भीड़ से कोई बड़ा होता है? भीड़ तो नेताओं में ज्यादा होती तो क्या उसको गुरु बना लोगे? धनवान तो मुकेश अंबानी ज्यादा है, बिल्डिंग ज्यादा, उसको गुरु बना लोगे? धन को गुरु बनाना कि भीड़ को गुरु बनाना है? कितने लोग अपनी जाति में गुरु ढूंढते, जाति में तो दमाद ढूंढा जाता है, वहां गुरु कहाँ ढूंढ रहे? तुम जमाई ढूंढ रहे, ये जमाई ढूंढने निकले कि गुरु ढूंढने निकले? जाति पाति का कचड़ा खोद खोद के बैठे वहां। अरे गुरु तो ज्ञान से गुरु होता, कोई जाति से गुरु होता है? जिसमें ज्ञान है वो गुरु होता है। अब ज्ञान की परिभाषा क्या है? जिसमें ज्ञान होगा उसमें पहचान क्या होगी? ज्ञान की पहचान क्या है? कैसे पता चले ज्ञान है? ज्ञान की बात तो सभी करते हैं, बहुत ज्ञान की बात करते हैं, जिसको देखो वही ज्ञान की बात कर रहा है। कोई सड़क पर खड़ा ज्ञान की बात कर रहा है, कोई आंगन में खड़ा ज्ञान की बात कर रहा है, कोई छत पे ज्ञान की बात कर रहा है, कोई मंच पे ज्ञान की बात कर रहा है। तो ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान नहीं, ज्ञान ज्ञान नहीं, केवल अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? श्रद्धा लगते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है शैतेन्द्रिय तत्पर, वो कल्याण के कार्य के लिए तत्पर हो जाता है, एक मिनट देर नहीं करता है, भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है और सत्संग में जुड़ जाता है, और शैतेन्द्रिय उसकी इंद्रियों के ऊपर उसका संयम हो जाता है, इंद्रियां उसकी बस में हो जाती हैं। ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान है उसकी इंद्रियां बस में होंगी, उसका मन बस में होगा, और उसको ज्ञानी की पहचान यही है कि वो कल्याण के कार्यों में, पाठ करने में, पूजा करने में, गुरु की सेवा करने में,
और सत्संग करने में, सत्संग कराने में, सत्संग में मदद करने में वो आगे हाथ बढ़ाता है तो समझ लेना वो ज्ञानी है। और केवल गप्पा मारता है, इधर उधर की बात रामायण की चौपाई सुनाता है, अवाल खंड का काम करता है, तो वो कहेगा ज्ञानी है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्पर संतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धवा परम शांति मचरेड अधिगच्छति। तो जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, उलझता नहीं है, खुश रहता है, सुखी रहता है। ज्ञान ही सुख दे सकता है, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम्। ज्ञान के अलावा कोई सुख देने वाला नहीं है, ना दुनिया में धनवान सुखी है, ना पदवान सुखी है, ना कोई बुद्धिमान सुखी है। दुनिया में कौन सुखी है? बड़े बड़े मकान वाले सुखी नहीं, सोने की लंका में रहने वाला रावण भी सुखी नहीं हुआ, और राजा भर्तृहरि भी सुखी नहीं हुए, तीन तीन चार चार रानियों को रखने वाले राजा दशरथ भी सुखी नहीं हुए, बड़े बड़े महल बनाने वाले भी सुखी नहीं रह सके। तो सुख है कहाँ? क्या धन में सुख है? नहीं, धन में केवल सुविधा है, धन से सामान मिलता है, धन से शांति नहीं मिलती है। लेकिन धन की जरूरत है, क्यों? क्योंकि आपके शरीर को सामान चाहिए, तो सामान धन से मिलेगा, इसलिए धन भी कमाना चाहिए, धनवान भी बनो, नहीं तो शरीर के लेवल में ही उलझ जाओगे। लेकिन शांति के लिए आपको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान उसी को होता है, जिसको होता है तो उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं, वो चंचलता नहीं करता है, मन को काबू रखता है। और याद रखना, जिसने मन को काबू कर लिया तो वहाँ एक घटना घटित हो जाती है। वो कौन सी घटना है अभी बता देता हूँ कि महिलाएं जो किचन में भोजन बनाती हैं, तो महिलाएँ दाल पकाती हैं। जब ये कुकर में दाल पकाती है, 7-8 मिनट में, 10 मिनट में सीटी बज जाती है, दाल पक जाती है। दाल वही है, पानी वही है, चूल्हा वही है, महिला वही है, और सब वही है, गैस चूल्हा वही है। लेकिन जब भगौना में दाल पकाती हैं या पतीली में दाल पकाती हैं, तो उसमें 1 घंटा में दाल पकती है। इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? वजह क्या है? छोटी सी बात, सिंपल सी बात है, कुकर में स्टीम कंट्रोल है, इसलिए दाल 10 मिनट में पक जाती है। भगौना में स्टीम बाहर निकल रही है, उड़ रही है, इसलिए दाल 1 घंटे में पकती है। याद रखना, जब तुम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारी सुख शांति की दाल 10 मिनट में पक जाती है, और सुख शांति तुमको मिल जाती है। और जब मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, इधर उधर मन भागता है, तो तुम्हारी दाल तो 100 साल की जिंदगी में भी पकने वाली नहीं है, 100 साल की जिंदगी में शांति मिलने वाली नहीं। कितने लोगों को मैंने देखा, कहते हैं घर में भी शांति नहीं मिली, बद्रीनाथ गए वहाँ शांति नहीं मिली, केदारनाथ गए वहाँ भी शांति नहीं मिली, और बोले आश्रम में गए वहाँ शांति नहीं मिली, साधुओं के सत्संग में गए वहाँ भी शांति नहीं मिली। अरे इस चट्टा को शांति कहाँ मिली? कहीं नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रसाद बढ़ता है तो डबल ले लेता है, अपने पुराने चप्पल छोड़ के दूसरे के नए चप्पल पहन कर चला जाता है। ऐसे चट्टों को कहीं शांति मिलती है? दूसरे के चादर में नाक पोंछ देता है, अपनी चादर संभाल के रख लेता है, पुरानी चादर उधर छोड़ देता है, नई चादर चुरा के रख लेता है, ये चुट्टा को शांति मिलेगी? शांति तेरे दुष्कर्मों से नहीं मिल रही, तेरे गलत स्वभाव से नहीं मिल रही, तेरे दुष्चरित्र से नहीं मिल रही, तो शांति ढूंढ कहाँ रहा? शांति किसी स्थान में होती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जम्बूनाथ, पारकनाथ, बैजनाथ, किसी कहीं भी चले जाओ, साईं बाबा के यहाँ चले जाओ, वहाँ क्या शांति रखी है? कहीं शांति नहीं रखी है। खूब भीड़ लगाओ साईं बाबा के यहाँ, जय हो साईं बाबा कहो, कोई और नया बाबा पैदा हो जाए उसका नाम जपो, खूब बाबा, बाबा की कमी? हिंदुस्तान तो बाबा की कंपनी है, यहाँ इतने बाबा पैदा होते हैं, नए नए मॉडल के बाबा, मक्का मदीना और काबा, जो देखो वो बाबा पूरा बना हुआ है ढाबा, ये कैसा है बाबा? तो सारे बाबा के चक्कर में फंसो जा करके, तो वहाँ शांति कहाँ मिलने वाली है? शांति जब मिलेगी, तुम जहां हो, इस करखड़ी की हाई स्कूल में भी शांति मिल सकती है, तुम्हारे घर में भी शांति मिल सकती है, गाड़ी के अंदर भी शांति मिल सकती है, गरीबी में भी शांति मिल सकती है, अमीरी में भी शांति मिल सकती है। और याद रखना, पैसा कम है तो भी शांति मिल सकती, ज्यादा है तो भी शांति मिल सकती, सड़क पर चलते चलते भी शांति मिल सकती है, कम मिल सकती है। शांति तभी मिलेगी जब आपका मन कंट्रोल होगा, इंद्रियां वश में होंगी, ज्ञान आपको पूर्ण होगा, विवेक जागृत होगा, तो शांति की सरिता बहेगी, तुम कहीं रहोगे शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। अभी मैं जहां से सत्संग करके आया, वहां कितना श्रोता था? 25-30 हजार श्रोता बैठा हुआ था। ये जितना हाई स्कूल का मैदान है और ये बिल्डिंग है, इतना सब पूरा पंडाल ही लगा हुआ था। वहां विदाई में 3 हजार लोग इकट्ठे थे, और यहां मैं आया
तो यहाँ इतना पंडाल लगा है जितना वहाँ, नाश्ता में भी इससे 10 गुना ज्यादा। लेकिन हमको पंडाल से क्या लेना देना, भीड़ से क्या लेना देना, हमको तो लेना देना है आपके प्रेम से। तुम खुश हो तो हम खुश हैं। 20,000 आए लोग, चाहे 20 लोग आए। आज उम्मेद भाई का फोन गया, बोले 15 मिनट लेट आना। विनू भाई ने कहा 15 मिनट लेट? मैंने कहा क्यों लेट जाऊँ, तुरंत चलूंगा, मैं रेडी था। हमने कहा बात कराओ, क्यों लेट कर रहे हैं? तो बात हुई तो बोले कि अभी यहाँ कोई आया नहीं है। तो अब उसको ऐसा लगता था गुरुदेव आ जाएंगे 2 बजे, अब कोई आया नहीं है, तो गुरुदेव को लगेगा ये तो बेइज्जती हो गई। अरे कोई आए चाहे ना आए, उससे क्या लेना देना हमको, हमको तो आना चाहिए टाइम पर ना। तो फिर मैं उसका पावरफुल आदमी उम्मीद भाई बात मान गया, 15 मिनट रुक गया देर में। नहीं मैं तो कभी कभी ऐसे ऐसे गोंडा में सत्संग था, मैं राइट टाइम पहुंचा, 3 मिनट बिफोर, कोई नहीं था पंडाल, केवल हम थे, हमारे साधु थे, आनंद करो। और हमारा साधु बहुत खुश था, वो साधु बहुत खुश था, मन संचालक, बहुत टाइट आदमी है, निरीक्षक इंस्पेक्टर है हमारी जमात का। वो खुश हो गए, मुस्कुरा दिया, आज 3-4 मिनट बिफोर आए, कोई नहीं था। और ज्यों ही मंच पर मैं बैठा, 500 लोग आ गए, आंख बंद करके मंत्र बोला 5,000 लोग आ गए, प्रवचन प्रारंभ किया 10,000 लोग बैठ गए। तो हमने कहा जय बजरंगबली, हमको तो आना चाहिए टाइम पर। लेकिन क्या है, हम नहीं देखते हैं कि पंडाल कितना बड़ा है, हम ये भी नहीं देखते हैं कि भीड़ कितनी बड़ी है, हम ये देखते हैं कि प्रेमी अगर 10 आए हैं तो ये 10 प्रेमी भक्त भी 10,000 के बराबर है, और ये 5 प्रेमी भी 5 लाख के बराबर है। प्रेम चाहिए और क्या लफड़ा फालतू। अब कितने लोग ऐसा भी साधु है, जहां पर भीड़ होगी वहां अच्छा प्रवचन देगा, जहां भीड़ कम है वहां इधर उधर करके घुमा घुमो के ज्यों त्यों करके निकल जाएगा, बोलेगा यहाँ तो कोई आया ही नहीं है। अरे कोई नहीं आया, ये कौन आया, ये सब बैठे हैं ना, ये कोई कम है, ये तो बहुत है, इनमें दम है। अभी ये सुनेंगे, ये 10 को और बताएंगे तो अगली बार आएंगे तो और दुगने लोग आ जाएंगे। और कोई नहीं भी आएगा, कम भी आएंगे, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है, इसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम है, कौन परेशानी। मैं तो खुश होकर ही सत्संग करूंगा भाई, इसमें गलती किसकी है। 60-70 गांवों में प्रचार हुआ है, पोस्टर चिपकाए हैं, सब सूचना हो गई है, लोग नहीं आ पाए हैं। तो क्यों नहीं आ पाए, उसके कारण है, कोई के घर पत्नी बीमार है, कोई के शादी है, कोई के हाथ तो खुद ही टांग तोड़े पड़ा हुआ है, और किसी के घर में तो मकान गिर गया है, और किसी के घर में तो बहुत झगड़ा हुआ है, इधर उधर भाग गए हैं लोग, कई कारण है, हम क्यों टेंशन लें उनकी फालतू। और कोई किसी पंथ में जकड़ा हुआ है, बोलता है मैं तो इस पंथ का हूँ, मैं दूसरे पंथ के साधु का मुंह नहीं देखता हूँ। अरे बेवकूफ, कहीं के ये गाय भैंस का मुंह क्यों देखता है, ये तेरे पंथ की है, भैंस का मुंह देखता, कुत्ते का मुंह देखता है, और तू साधु का मुंह नहीं देखता है, मत देख तू, तो सांप का मुंह देखेगा जाकर। तो फालतू काम करता है, दिमाग नहीं है, उसका गुरु भी ऐसे ढोंगी है, उसको पढ़ा करके उसके दिमाग को बिगाड़ रखा है कि तू मेरे में ही आना, दूसरे मत जाना, क्योंकि उसके गुरु को डर है कि अगर दूसरे में जाएगा तो दूसरा मेरे से अच्छा मिल गया तो मेरे को छोड़ देगा, तो मैं अकेला रह जाऊंगा, इसलिए इसको जाने ही मत, तो बेवकूफ बनाकर इसी में रखो तो तुमको जाने नहीं देगा, कि दूसरे पंथ हम क्या जाने की जरूरत। अरे पंथ वंथ छोड़, पर तुम पकड़ कहाँ पाओगे, किसको रोक पाओगे। अब टीवी चैनल में प्रवचन आ गया, अब मोबाइल की यूट्यूब में आ गया, अब उसमें तो रुकने वाला ही नहीं मामला। एक साधु कह रहा था आप तो कंट्रोल बाहर हो गया, क्योंकि अब आपका प्रवचन यूट्यूब में सुन रहे हैं सब लोग। पहले तो मैं भक्तों को रोक देता था कि असंग साहिब का प्रवचन मत सुनना, वहां मत जाना, अब उसके हाथ में मोबाइल वो सुन रहा, उसकी पत्नी सुन रही, बेटा सुन रहा, अब तो कंट्रोल टूट गया। हमने कहा इससे फायदा है, वो सुन रहे तुम भी सुनो, तुम गुरु हो लेकिन सुनो, तुम्हारा भी सुधार हो जाए। तुम्हारे अंदर अभी राग द्वेष निंदा बुराई कचरा लफड़ा सब भरा है, तुम किस मॉडल के गुरु हो। तो कितने लोग पंथवाद फैला रखे हैं, और कितने लोग तो संप्रदाय में फंसे हुए हैं कि मेरा ये संप्रदाय है, दूसरे संप्रदाय में तो जाना ही नहीं। कमाल है, ये सड़क पर क्यों जाते हैं, क्या तेरे संप्रदाय की सड़क है, इस पर क्यों चलते हो, एरोप्लेन में क्यों बैठते हो, ये तेरे संप्रदाय का है, अरे ट्रेन में क्यों बैठते हो, ये तेरे पंथ की ट्रेन है, फालतू बात मत कर, ये साइकिल पर क्यों घूमता है, ये तेरी साइकिल, तेरा गुरु बना है। बहुत फंसा हुआ है, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, तर्क कर दो तो नाराज हो जाएगा।
अरे ये मत फंसाओ भक्तों को, ज्ञान की बात सुनने दो, इनको सुधरने दो, इनके घर में शांति आने दो, इनके विचार बदलने दो। ये कोई मत पंथ को पार्टी मत बनाइए और कोई भी संप्रदाय को आप अपना ग्रुप मत बनाइए। भक्तों को सत्संग के लिए जहाँ उनको अच्छा लगे वहां से सुधार करने दो, अपना कल्याण करने दो। इधर उधर फंसाने की क्या जरूरत है? तो बहुत से लोग इस कारण भी नहीं आ पाए और बहुत से लोग इस कारण भी नहीं आए कि आना ही नहीं चाहते थे इसलिए नहीं आ पाए। बहुत से लोग दारू पीता है तो शर्म के कारण नहीं आ पाया है। और बहुत सा आदमी ऐसा है ना, सत्संग को जानता ही नहीं होता क्या है। वो पहली बार देखता सुखद सत्संग, अगर उसमें लिख देते ना भागवत कथा तो फिर दौड़ कर आ जाते। बोले भागवत से तो भाग्योदय ही हो जाएगा, चलो भागवत में। भागवत सुनने से राजा परीक्षित तर गया तो अपन क्या बचेंगे, अपन भी तर जाएंगे। सुन लो तो 9 दिन बैठे मुंडी हिलाते भागवत सुनते रहेंगे। अब मैंने लिख दिया सुखद सत्संग, एक नया आइटम डाल दिया सुखद सत्संग। अब इधर गुजरात में लोगों को पता नहीं है भाई सुखद सत्संग क्या होता है। तो ये भागवत वाले लोग, ये राम कथा वाले लोग, ये तो फंसने वाले नहीं। लेकिन बड़ा जालिया बनो तो ऐसा लिख दो कि राम कथा, भागवत कथा और बीजक कथा और सभी कथाओं का निचोड़ कथा था। ऐसा कथाकार आया है सब कथाओं का निचोड़ दे देता है, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाए। पर वो लिख दूं तो कबीरपंथी तलवार लेकर निकल पड़ेगा कि तुम ये लफड़ा क्यों लिखते हो, ये तुम एक बात लिखो तो उधर वो भी खतरा हो जाएगा। तो सारे खतरों के बीच में बच के रहना है। और जो आए हैं वो बहुत है, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, सब लोग खुश रहना। इतनी संख्या बहुत है, कम नहीं है। इतने लोगों का परिवर्तन हो जाए और इतने लोगों को शांति मिल जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। याद रखना भाइयों बहनों, एक चिराग अगर तुम्हारे घर में जल जाए तो सभी बुझे हुए चिराग उससे टच करके जलाए जा सकते हैं। अगर इतने ये जो 1000 लोग आए हैं इनकी चेतना जागृत हो जाए माया मोह की नींद से, तो ये माया मोह की नींद में सोई हुई जगत को जगाने में पूरी मदद कर सकेंगे और सभी बुझे हुए चिराग को जलाने में इनकी बहुत बड़ी मदद रहेगी। इसलिए कभी ये सोचना ही नहीं। साहिब सीधे बैठो, अब थोड़ा भजन भी गाओ, भजन बोल देता है। बाबा बोलो, तुम भी थक जाओगे कुछ। सुखी करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख हरता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना। नींद लगे तो सोइए, चले आना मजबूत कुर्सी पे बैठ के सोइए। कुर्सी भी टूटे के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम्हें कबीर रूप में आना, तुम्हें कबीर रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। ध्यान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। दोहराओ दोहराओ उसी को, जल पीने दो, बने के बंद मत करो। हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना विद्यार्थियों के लिए।
सुनो। चले आना तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना, भक्ति साथ लेके शक्ति साथ लेके चले आना गुरु जी। चले आना भक्ति साथ ले के साथ ले के चले आना गुरु जी। चले आना सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी। चले आना सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी। चले आना बोलिए सद्गुरु भगवान वान की जय। साहिब बंद आइए अपने प्रसंग पर हम पहुंच रहे हैं। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं उनके घरों में सुख निवास करता है जिनके घर में छह बातें होती है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे आश्रम में सुख रहे हमारे घर में सुख रहे उनको छह काम करना चाहिए। नंबर एक अर्थागमो नित्यम, जिस घर में डेली इनकम सोर्स है अर्थात नित्य आमदनी होती है नित्य आवक होती है उस घर में सुख का शुभारंभ होता है। इसलिए कृपया ऐसी योग्यता हासिल कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए, ऐसा सिस्टम सेटअप कीजिए, ऐसा डिसीजन लीजिए, ऐसा एक्शन कीजिए जो कि आपके घर में आपके आश्रम में डेली इनकम सोर्स होना चाहिए। क्योंकि दैनिक खर्चे तो डेली होते ही हैं पर डेली अगर इनकम नहीं है तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है आय व्यय का। अर्थागमो नित्यम। नंबर दो जिस घर में आरोग्यताचार, जिस घर में आरोग्य नरनारी रहते हैं जिस आश्रम में निरोगी साधु रहते हैं जिस घर में बहुत रोगी साधु रहेगा जो भी पैसा होगा सब बीमारी में खर्च होगा, जो भी पैसा होगा घर में वो सब रोग व्याधि में चला जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ व्यायाम कीजिए, ऐसा भोजन कीजिए जो आपके शरीर को सूट करता है मैच करता है। क्योंकि हर गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, हर गाड़ी डीजल से नहीं चलती, एरोप्लेन किस चीज से उड़ता है, आपकी कार पेट्रोल कार है कि डीजल कार है, सोचिए आपका शरीर इसको क्या सूट करता है। कभी कभी आप बेड में खा लोगे बीमार हो जाओगे लेकिन गाजर का हलवा खा लोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कभी कभी आप फल खाओगे तो बीमार हो जाओगे, ये मत सोचना कि फल बहुत स्वास्थ्य पैदा करता है, नहीं नहीं, शाम को फल खा लोगे तो आपके बुखार आ जाएगा, शाम को मूली खा लोगे सर्दी जुखाम फीवर आ जाएगा ताव आ जाएगा। कब खाना है इसका भी विवेक कीजिए। ये चीजें सुबह खाई जाती है, मात्रा में थोड़ी थोड़ी खाई जाती है, बहुत ज्यादा खाओगे तो फल ठंडा होता है वो तुम्हारे शरीर के जो अंदर पेट में जठराग्नि है उसको बुझा देगा ठंडा कर देगा। थोड़ा सा चना जब लीजिए, आपके शरीर को क्या चीज सूट करती है उसको आपको पता लगाना पड़ेगा। आपके शरीर को किन किन चीजों से एलर्जी है, कई लोगों को धूल से एलर्जी है, कई लोगों को धूप से एलर्जी है, कई लोगों को टमाटर से एलर्जी है, कई लोगों को दूध घी से एलर्जी है। जिस चीज से एलर्जी है इसकी जांच कराइए, वो चीज मत खाइए। और जो चीजों से एलर्जी नहीं उनको भी थोड़ा थोड़ा खाइए, ज्यादा खाओगे तो उससे भी एलर्जी हो जाएगी। और हंसिए भी ताकि स्वस्थ रहिए, चिंता मत कीजिए, टेंशन मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करने से भी बहुत बीमारियां आती हैं।
कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक क्रोध में दांत पीसते रहते हैं, गुस्सा ही रहते हैं। उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है, डर लगता है उनको देखकर, बड़ी घबराहट होती है कि बहुत खतरनाक है, ना जाने कब एटम बम फोड़ दे। तो ऐसा चेहरा मत बनाइए, इससे भी बीमारियां आती हैं। लालच करने से भी बीमारी बहुत आती है, अहंकार करने से भी बीमारी, ईर्ष्या करने से उम्र कम हो जाती है, अधिक खाने से बीमारी बहुत आती है। तो जिसके घर में स्वस्थ लोग रहते हैं, स्वस्थ रहो, स्वास्थ्य का ध्यान दो और उस घर में भी सुख निवास करता है। ज्यादा रोगियों के घर में सुख नहीं रहेगा। एक रोगी है तो चार लोग उसको लिए घूम रहे, कहीं अहमदाबाद दिखा रहे हैं, कहीं बॉम्बे लिए जा रहे हैं। फालतू काम करता है, पानी नहीं पीते हैं, पानी नहीं पियोगे किडनी में स्टोन बन जाएगा, लीवर में स्टोन बनेगा। जल ज़्यादा पीजिए, यूरिन ज़्यादा चाहिए, पेट की सफाई हो, पाइपलाइन सब साफ रहे, जल ज़्यादा पियो, दूध भी कम पियो और गहरी नींद सो। सोते नहीं हैं लोग, ना जाने हिंदुस्तान पूरा अपने सिर पे लाद के बैठे, सोते क्यों नहीं हो? सोते समय भी सोचते हैं लोग, आंखें सब फूल गई, नीचे हवा भर गई, खाल झूल गई, फिर भी सोते नहीं, क्या सोचते हो? और नींद क्यों नहीं आती? नींद किस कारण से नहीं आती? गहरी नींद क्यों नहीं आती? जो काम नहीं करता है, जिसका शरीर थकता नहीं है, जो व्यायाम नहीं करता है, जिसका शरीर थकान नहीं लाता है, उसको नींद अच्छी नहीं आती। आतंकवादी सो जाते हैं, पुलिस उनको दौड़ाती है, 10 किलोमीटर भागते हैं, थक जाते, खूब नींद आती। तुम तो आतंकवादी भी नहीं हो, तुम तो घर ही में रहते हो, फिर भी डबल बेड पर सिंगल नींद नहीं आ रही, आखिर बात क्या है? कम मेहनत करने वाले को कम नींद आती है, अधिक मेहनत करने वाले को गहरी नींद आती है, ताबड़तोड़ मेहनत करने वाले को बेहोशी की नींद आती है। थोड़ा निश्चिंत भी रहो, मन को भी समझाओ, इतना टेंशन क्यों करते हो? बेटा बेटी की टेंशन, उनके शादी की टेंशन, पत्नी की टेंशन, ससुराल वालों की टेंशन, मायके की टेंशन, गाय भैंस की टेंशन, गाड़ी घोड़े की टेंशन, टेंशन की टेंशन, ये इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? इस पढ़ने लिखने की टेंशन, परीक्षा में नंबर कम आए वो टेंशन, फेल होने की संभावना तो टेंशन, परीक्षा में नकल कर रहे थे पकड़े गए तो बहुत टेंशन। अब ये क्या कर रहे हो? टेंशन उसी को होती जो अपना काम सही नहीं करता है, जो कर्तव्य को सही नहीं निभाता, वो टेंशन का पात्र बनता है। आप कर्तव्यनिष्ठ बनिए, लापरवाही मत कीजिए, जिम्मेदारी से काम कीजिए। यदि तुम विद्यार्थी हो तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, यदि तुम शिक्षक हो तो मन लगा करके विद्यार्थियों को पढ़ाइए, यदि तुम साधु हो तो मन लगा करके साधना कीजिए और आश्रम को अच्छा बना लीजिए, साफ सुथरा रखिए। यदि तुम साधु हो तो सेवा भी दौड़ दौड़ करके करो, बैठे क्यों हो? बैठोगे बीमार हो जाओगे। और यदि तुम गृहस्थ हो तो अपने घर को पूरा सेटिंग से रखिए, सर्विस कीजिए, बिजनेस कीजिए, खेती में काम कीजिए, खाली मत बैठिए, खाली मत बैठ, कुछ काम किया कर। तो किसी ने कहा काम कुछ नहीं है तो बोला कि पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर, पर खाली मत बैठ, कुछ काम किया कर। ये तरुण सागर मुनि कहते थे जैन धर्म के। अब उनका देहांत हो गया है, मोक्ष गति को प्राप्त हो गए, लेकिन बड़े कड़वे प्रवचन देते थे, वो इस तरह से सुनाते रहते थे। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि तुम साड़ी फाड़ कर फिर सिया कर या पाजामा फाड़ कर सिया कर। पाजामा फाड़ने की नहीं जरूरत है, बहुत काम है, पेड़ पौधे लगाइए, गमले लगाइए, थोड़ा घर में फूल उगाइए और यदि हो सके तो एक गाय पाल लीजिए, एक भैंस पाल लीजिए, 10-20 लीटर दूध हो, 20 लीटर बेचिए, 2 लीटर खाने के लिए रखिए, थोड़ा आमदनी का स्रोत भी बढ़े। और भैंस की सेवा करोगे, गाय की सेवा करोगे, व्यायाम हो जाएगा। ये योगा पोगा करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ये नाक सुन्न फुन्न करने क्या काम? गाय का पड़वा भागेगा, गाय का बछड़ा भागेगा, भैंस का पड़वा भागेगा, उसको रपटाओगे, थक जाओगे, हफ जाओगे, आपकी कपालभाति अपने आप चालू हो जाएगी, ऐसे यही कपालभाति है। अब वहाँ बैठे रहोगे, ना तुम्हारे गाय है, ना उसका बछड़ा है, ना भैंस है, ना पड़वा है, खुद ही बैठे रहो, पड़वा बनकर पड़े रहो।
कितने घरों में सास ससुर ने सोचा था मेरे घर में लाड़ी आई है, और लाड़ी के बजाय वो भैंस की पाड़ी आई है, वो पड़ी रहती है, कुछ काम ही नहीं करती है, ऐसे मॉडल की लाड़ी है, पाड़ी है। और किसी किसी स्त्री को तो पति ऐसा मिला है, वो सोचती थी पति देव मिले, पति देव के बजाय वो पाड़ा देव मिले, वो पड़ा रहता है, काम ही नहीं करता, बड़ा आलसी मक्कार पति है। कुछ गुरुओं ने सोचा था मुझे चेला मिला है, चेला नहीं वो पाड़ा मिला है, पड़ा रहता है, काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करेगा, क्रोध करेगा, सामान को तोड़ फोड़ करेगा, इधर उधर जमात को तोड़ फोड़ करेगा, इसको बहकाएगा, उसको बहकाएगा, खुसुर फुसुर बताएगा। अरे यहाँ कुछ भविष्य नहीं है, भविष्य कहाँ है तेरे, आलस्य में भविष्य, बेईमान कहीं का माल खाता है और वहीं की निंदा करता चुट्टा। बताता यहाँ कोई भविष्य नहीं, अरे वर्तमान भविष्य तो तूने बर्बाद किया है, आलसी निकम्मा कहीं का काम नहीं करता, घर में मर मिटा काम करते करते और साधु बना तो साधु जमात को बर्बाद कर दिया, झाड़ू नहीं लगाना चाहता। मैं तो ऐसे दुष्ट साधु को रखता ही नहीं कि यहाँ काम चोरी करके बिगाड़ना आश्रम और मेहनत ना करना जमात को बिगाड़ देना, मैं नहीं रखता। हर साधु की ड्यूटी रहती है, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो यहाँ जिंदगी में कभी आना मत, ऐसे काम चोरी इकट्ठा करूंगा मुझे बर्बाद कर देंगे। हर लाड़ी को भी काम करना चाहिए, लाड़ी को पाड़ी बनकर पड़े नहीं रहना चाहिए। कितनी लाड़ियां तो ऐसी है कि वो सवेरे से उठती है, सबसे पहले अपनी साड़ी देखेगी बड़े दर्पण में शीशा में, फिर स्नान करेगी बहुत देर तक, नाना प्रकार का साबुन लगाएगी, फिर शैम्पू, फिर टेम्पू हाई है, शैम्पू हाई है, और फिर बालों में क्या क्या लगा देगी, और फिर उसके बाथरूम में देखो पूरा मेडिकल स्टोर खुला है, तरह तरह की शीशी तेल फुलेल और घी शक्कर सब घोर घोर के पूरा लगा के बैठेगी, और उसके बाद बाल ठीक करेगी, आधे बाल इधर गिराएगी, फिर उधर गिराएगी, बीच एक बाल ऊपर फुलाएगी, फिर पीछे छोटा कूड़ा बांध देगी। अब सासू देख देख करके उसे गुस्सा आ रहा कि अपना ही सजती धजती रहेगी, कुछ काम भी करेगी, फिर ओठ में रंग, बालों में रंग, नाखून में रंग, पैरों में रंग, हाथों में रंग, रंग में रंग, पूरा परिवार तंग, काम करना नहीं, इतना रंग लगाएगी, और फिर ऐसा कपड़ा पहनेगी उसको देखकर कोई काम बता भी नहीं सकता, काम कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो काम करेगी तो उसका कपड़ा सब लथर पथर हो जाएगा। अरे लांग बांध ले, काम कर, फालतू नाटक मत कर, यहाँ हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं है, यहाँ मेहनत कर, तेरा घर है ये नरक हो जाएगा, फालतू मच सज धज, तुझे कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई आकर्षित होने वाला है, तेरा पति तक आकर्षित नहीं है तुझसे, वो भी दुखी है, और तू दूसरे क्या आकर्षित करने के लिए फैशन बनाकर चलती है, और ये क्या है पैंट फटी पहन कर। एक आज लड़का मेरे पास आए, वो चार पांच जगह उसकी पैंट फटी थी, मैंने कहा तेरी पैंट फट गई दूसरी बदल, तो दूसरे ने बताया ये तो फैशन चलता है, हमने कहा अरे फटा पहनता चल, अच्छी पैंट पहन, अब फटी पैंट पहन के घूम रहा है, ये किसको दिखा रहा तू, अरे तेरे को उसमें चार पांच छेद कर रखा पैंट में, पैंट निकाल ही देना तो पूरा ही दिखता रहे, चल जा नंगा हो जाए बैल कहीं का, ये सब ये लफड़े क्यों पालते हो, तू बड़ा सुंदर है, पेंट फटे करके टोकट नोच नोच कर उससे तो अच्छा लगना चाहता, मैं कोई कपड़ा फटा नहीं पहनता, हमेशा एक जैसा कपड़ा पहनता, कोई फैशन नहीं बदलता, मुझे देखने के लिए 13 करोड़ लोग यूट्यूब में देखते हैं, 20 करोड़ लोग टीवी में देखते हैं, और करोड़ों लोग रूबरू हो बहुत देखना चाहते हैं कि अभी एक वापी से भक्त आए हमारे श्री मनोज भाई और उसकी पत्नी गुड़ी गुड़ी क्या नाम गुड़ी गुड्डी 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 भाई, वो बता रही थी मेरे यहाँ से फोन आ रहा है कि तुमने असंग देव को देख लिया है, वो बहुत देख लिया है, उनके पास में बैठे हो, बोले हाँ बैठी हूँ, ये लो फोन देखो बात। अब इतने लोग कोई फैशन नहीं, ना फटी पैंट पहनता, ना कटी पैंट पहनता, ना प्रेस कराता, ये कभी प्रेस लोहा नहीं कराता स्त्री इस पर, ऐसे अब्बड़ झब्बड़ लब्बड़, अरे साफ सुथरा पहन लो, इसमें क्या दिखाना है, किसको देखने का वक्त है तुम्हारे हाथ पांव, किसको देखने का टाइम है तुम्हारा मुंह, अपना मुंह तो देखने टाइम नहीं है लोगों को, और तुम अपना मुंह बना के घूम रहे हो कि मेरा मुंह देख लो, तेरा मुंह कौन देखेगा,
मुंह देखने की छुट्टी खाए। लोगों को अपनी पत्नी का मुंह देखने की फुर्सत नहीं है, अपना मुंह देखने टाइम नहीं है, और तुम मुंह बना बना के दो दो घंटे मुंह ठीक कर रहे हो। ये कौन तेरा मुंह देखेगा? मुंह मत ठीक कर, मन को ठीक कर, और घर को ठीक कर, परिवार को ठीक कर, सामान को ठीक कर, व्यवस्था को ठीक कर, और सब ठीक हो जाएगा तो तेरी जिंदगी में सुख शांति आएगी, तेरी उन्नति हो जाएगी। ये फैशन के चक्कर में भी मत पड़। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि उल्लुल जुल्लुल कपड़ा पहनो, ठीक ठाक पहनो, मीडियम रहो, मध्यम रहो, अलवा जलवा भी मत पहनो, लेकिन बहुत फैशन में सजने धजने में भी टाइम बर्बाद मत करो, अपनी बुद्धि को उसमें खर्च मत करो। आप मुकेश अंबानी के कपड़े देखिए कैसा पहनता है, ऐसे डाल लेता है, कोई बात नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक कमिश्नर आया था, ऐसे सामान्य पेंट शर्ट पहन कर आ गया। मैंने कहा कमिश्नर साहब थोड़ा ठीक ठाक पहनो कपड़े। बोले ठीक ठाक क्या पहनना है गुरुदेव, सब बेकार ही है, कोई शांति वाला काम है नहीं, इसलिए सामान्य कपड़े पहनता हूँ, थोड़ा पैसा बचाता हूँ, दान वान करता हूँ, बहुत लोगों को जरूरत है देता हूँ, और बाकी जिंदगी सुखी है ज्ञान से। जिंदगी ज्ञान से सुखी होगी, ये फैशन से सुखी नहीं होगी। और मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थियों के लिए आठ चीज़ें खतरनाक होती हैं। माता पिता लोग यहाँ बैठे हुए हैं और स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, ध्यान देना। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवा विद्यार्थी ही अष्ट वर्जय। जो विद्यार्थी काम वासना से प्रभावित है अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, उसकी व्यभिचारी प्रवृत्ति हो गई है, वो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में सफल नहीं होगा। विद्यार्थी को व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। और विद्यार्थी को कामोत्तेजक चीज़ें खाना भी नहीं चाहिए, अपने काम वासना को कंट्रोल भी रखना चाहिए। और विद्यार्थी को क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस विद्यार्थी को गुस्सा बहुत आती है वो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में असफल होता है, क्योंकि क्रोध करने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, क्रोध करने से प्रसन्नता खत्म हो जाती है, और जिसके पास प्रसन्नता नहीं है, मन में शांति नहीं है, उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है, मेमोरी पावर कमजोर पड़ जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है। ये जो मेरा मेमोरी इतना स्ट्रांग है, लाखों लोगों के नाम याद है, कैसे याद है? सीधी सी बात है, खुश रहता हूँ, हंसता हूँ, इसलिए मेमोरी है। ज्यादा गुस्सा करूं, क्रोध में रहूं, तो खोपड़ी बचेगी, मेमोरी निकल कर बाहर हो जाएगी। इसलिए तुमको भी बताता हूं, हंसा करो, खुश रहा करो, गुस्सा मत रहा करो, तो निश्चित आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, याद शक्ति बढ़ जाएगी। तो विद्यार्थी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, सहन शक्ति रखना चाहिए। लोभम, विद्यार्थी को लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में पढ़कर किसी का पेन चुराना, मोबाइल चुराना, चप्पल चुराना, कॉपी चुरा लेना, ये चोट्टा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि आप जब चोरी करोगे लोभ में पढ़ करके, तो आपको टेंशन रहेगी कि कहीं पकड़े गए तो क्या होगा, और जिसको टेंशन है उसकी स्मरण शक्ति घट जाती है। ये लोग कहते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति बचपन में अच्छी थी, जवानी में कम हो गई, बुढ़ापे में खत्म हो गई। क्यों हो गई, कैसे हुई? उसका टेंशन का कारण है। टेंशन में रहने वाले लोगों का स्मरण कम हो जाता है। विशाल देव की स्मरण शक्ति 92 साल की उम्र में भी स्ट्रांग थी। क्यों स्ट्रांग थी? क्योंकि उनको टेंशन नहीं थी। इसलिए टेंशन में मत रहो, क्योंकि दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चलता है। इसको ये मत समझना कि मैं ही चला रहा हूँ, तुम्हारा घर तुम अकेले नहीं चला रहे हो, तुम्हारा घर भी तुम्हारे घर के सभी लोग चला रहे हैं, तुम्हारा आश्रम तुम अकेले नहीं चला रहे हो, उस आश्रम को सभी संत भी चला रहे हैं, और तुम्हारी पार्टी को अकेले तुम ही नहीं चला रहे हो, तुम्हारी पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं का योगदान है, तभी वो चल रही है। और याद रखना, सबके सहयोग से ही सब विकास होता है, अकेले से कुछ होता नहीं है। इसलिए ज़्यादा आपा धापा मत करो, हैरान मत हो, तुम भी मेहनत करो, सब मेहनत करेंगे, विकास होगा। हमारे साथ में जितने संत हैं सबका योगदान है, मैं थोड़े कर रहा हूँ, मैं तो सबसे कम करता हूँ, सबसे आराम और सुख में मैं ही हूँ। मेरे से ज़्यादा तो सभी संत मेहनत करते हैं, फिक्र करते हैं, और सभी संतों के ऊपर जिम्मेदारी है। सबसे ज़्यादा फ्री मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा। और फिर टेंशन क्यों करूँ, चिंता करने क्या जरूरत? आप भी चिंता मत कीजिए, अपने बेटे की चिंता मत करो, बेटी की चिंता मत करो। देखो, आप विचार करो, धीरू भाई अंबानी एक गरीब घर में पैदा हुए थे, उनके माता पिता सोचते थे
कि बेटे का क्या होगा, इतनी गरीबी हम मजदूरी करते हैं। लेकिन बेटा ऐसा हुआ जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम कमाया, इतना बड़ा रिलायंस सिस्टम तैयार किया और इतनी बड़ी उन्नति किया। आज धीरू भाई अंबानी को देखिए, गारफील्ड नाम का लड़का ओहियो के जंगल में पैदा हुआ, ओहियो के जंगल में, उसके बाद राष्ट्रपति बना अपने देश का जाकर। ये रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं, इनके भाई राम स्वरूप नाम है उसका। उसका मेरे पास फोन आया, 24 मिनट बात किया, प्रोग्राम की मांग की कि गुना में घर है, प्रोग्राम कराना है, मैं रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी हमारे से पहचान कैसे हुई? बोले राष्ट्रपति के साथ में आपका प्रवचन भोपाल में था, वहाँ से पहचान हुई। और टीवी में सुनता हूँ, यूट्यूब में देखता हूँ, राष्ट्रपति जी ने कहा है उनको बुलाओ, उनका सत्संग कराओ। अब वो मांग किया है, कैसे मांग किया है वो राष्ट्रपति? बोले मैं इतना गरीब था, राष्ट्रपति भी गरीब था, बिल्कुल गरीबी हालत में ये सब रहे हैं। आज वो बच्चा राष्ट्रपति बन गया, माँ बाप को भी राष्ट्रपति नहीं बन पाए, लेकिन उनका गरीब बेटा राष्ट्रपति बना और माँ बाप की भी गरीबी खत्म हो गई और सब परिवार का नाम हो गया। याद रखना, तुम्हारे बेटे की किस्मत में क्या है, तुम्हारे भाग्य में क्या है, तुमको भी पता नहीं है। बेटे की किस्मत ऐसी चमकेगी कि तुम जिंदगी में सोचे नहीं होगे वो क्या करेगा। क्या मेरे माँ बाप ने सोचा था कि मेरा बेटा इतना ऐसा संत बनेगा? कोई नहीं। मेरे गुरु ने भी नहीं सोचा था, मैं भी नहीं सोचा था, मैं तो इतने ही सोचा था साधु बन जाऊंगा, बस पाठ पूजा करूंगा, बात खत्म। ये प्रवचन और वचन का लफड़ा तो सोचा ही नहीं, ये गाड़ी घोड़ा आश्रम फाश्रम कुछ नहीं, बस ऐसे शांति से रहूंगा। उसके बाद जो प्रारब्ध है, भाग्य है, कर्म है, वो सब आगे आगे व्यवस्था बनाता चला जाता है। तो मैं सभी से कहूंगा, साधु संतों से भी कहूंगा, कर्म तुम करो, कर्म तुम्हारी सब व्यवस्था बना देगा। लेकिन चिंता मत करो, टेंशन मत करो, तनाव में मत रहो। कोई प्रकार का दुख भी है, विवेक से उसे दूर करो और प्रसन्न रहो। विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके। अब विद्यार्थी को स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। कितने विद्यार्थी अगर दूध पाक बना है तो एक लीटर पी लेते हैं, एक लीटर दूध पाक पी करके फिर कहते कुछ पेट में गड़बड़ है। अब पेट में गड़बड़ नहीं होगा तो क्या कहीं वहाँ कमरे के अंदर गड़बड़ होगा? जब इतना पिए हो दूध पाक भी एक बाटकी लो, एक कटोरी लो, ज़्यादा मत पियो, क्योंकि बहुत हार्ड एनर्जी इसके अंदर है। थोड़ा सा खाइए, थोड़ा दूध पाक भी खाना चाहिए, थोड़ा फल भी खाना चाहिए और थोड़ा तिल की पापड़ी भी खा लीजिए और थोड़ा सा खीर भी खाओ, थोड़ा बेड़मी भी खाओ कभी कभी, थोड़ा लपसी भी कभी कभी खाओ, थोड़ा चने छोले भी खाओ, बदल बदल कर खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, ज़्यादा मत खाओ, स्वाद के लिए मत खाओ। जिसको खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है वो चीज़ खाओ, लेकिन वो भी कम खाओ, बहुत मत खाओ। तो विद्यार्थी को स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, स्वाद के लिए, स्वादम श्रृंगार। और विद्यार्थी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, फैशन नहीं करना चाहिए। साधु को भी फैशन नहीं करना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कितने कथाकार बैठते हैं व्यास गद्दी पर तो रोज फैशन बदलते हैं, ना मालूम कैसा बांह कटा हुआ पहनते हैं, फिर यहाँ से कहते हैं। अब उसको ये भी पता नहीं ये ब्लाउज कट तो क्यों पहन रहा है, तू तो जेंट है, लेडीज थोड़े है, ऐसा कट पिट के पहनता है, अब मैं तेरे को समझाऊंगा क्या? ये ऐसे कपड़े ढाक कर बैठो, आप कथावाचक हो, आप प्रवचनकार हो, आप सबको संदेश दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, ये हाथ पाँव आधा खुल्ला पुल्ला ये सब दिखा रहे हो, दुनिया इससे क्या सीखेगी? खाली वाणी से संदेश नहीं दिया जाता है, अपने कपड़ों के पहनने के ढंग से भी संदेश दिया जाता है, चलने के ढंग से भी संदेश दिया जाता है, रहनी कहनी नहाने धोने किस तरीके से भी संदेश दिया जाता है, वाणी से भी संदेश दिया जाता है और स्वभाव से भी संदेश दिया जाता है। समाज को अपने चरित्र से भी संदेश दीजिए। तो विद्यार्थी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सादा जीवन, सादा वस्त्र। इसलिए स्कूलों में यूनिफॉर्म सेट कर दिया गया कि यही पहनना है तुमको। अगर यूनिफॉर्म का रूल्स हटा दिया जाए तो आप विद्यालय को देखोगे ये हीरो हीरोइन का सेंटर हो जाएगा। ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर लोग आएंगे, ये विद्यार्थी
क्या क्या करेंगे, किस तरह कटिंग पटिंग चीटिंग पीटिंग और इधर फटा कटा लटा और खोपड़ी में जटा, ये सब बांध बांध के गुलगुब्बे बना बना के और लेकिन कंपलसरी हुआ यूनिफॉर्म कि ऐसा ही पहनना है, इसी तरह का पहनना है। तो उससे फैशन से बच, क्योंकि जो श्रृंगार करता है उसके शरीर के अंदर काम वासना उत्तेजित होती है, काम वासना उद्दीप्त हो जाती है, और काम वासना उद्दीप्त होने से वो पढ़ने में मन कहाँ लगेगा, फिर तो भोगों की तरफ चिंतन शुरू हो जाएगा। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके, और कौतुके मतलब मनोरंजन। विद्यार्थी को मनोरंजन में भी टाइम पास नहीं करना चाहिए, ताश खेलना, खेल कूद करना, टीवी बहुत देखना, मोबाइल में खूब इधर उधर के गीत गाने सुनना और क्या क्या देखना, ये सब कौतुके है, ये मनोरंजन है। फिल्म देखना ये विद्यार्थी के लिए मना किया गया, क्योंकि आपका दिमाग जो है एक कैमरा है, ये आंखें जो देखती हैं उसको ये फोटो खींचता है, तो इसमें ज्यादा तुम फोटो डाल दोगे तो जो आपके कोर्स का नॉलेज है उसका फोटो इसमें एडजस्ट ही नहीं होगा, मेमोरी भर जाएगी आपकी, इसलिए फालतू फोटो इसमें मत डालो, निकालो, रिजेक्ट करो। फिर कहते हैं अति निद्रा, विद्यार्थी को अति नींद भी नहीं लेना चाहिए, कुंभकर्ण की तरह सोना भी नहीं चाहिए, समय पर जागना भी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। कितने लोग ऐसे हैं सुबह मरे चूहा की तरह पड़े रहते हैं, अरे क्यों पड़े हो, उठते क्यों नहीं हो, और तुम पड़े हो, सब पड़े रहेंगे तो घर का क्या हाल होने वाला है, व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी, थोड़ा फिक्र क्यों नहीं करते हो, आप गलती करते हो, आपकी गलती को 20 लोग और सीख लेंगे तो क्या होने वाला है तुम्हारे घर में आश्रम में, बताओ हम। इसलिए अपनी आदत को सुधारो, इसलिए भी सुधारो कि तुम्हारी गलती के कारण दूसरे लोग भी गलती करना सीख जाएंगे, इसलिए भी अपने आप को बदलिए, चेंज कीजिए। तो विद्यार्थी को कुंभकर्ण की नींद नहीं सोना चाहिए। स्वान निद्रा तथा काक चेष्टा बको ध्यान, अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। और विद्यार्थी को एक चीज और बताई गई है, अति सेवा, विद्यार्थी को दूसरों से अति सेवा लेने की इच्छा नहीं रखना चाहिए कि हमारी किताब उठाकर मम्मी देगी तो पढ़ूंगा, कलम उठाकर बहन जी देगी तो लिखूंगा, अपने हाथ उठा लीजिए, आलस्य मत कीजिए, अलर्ट रहिए और हंस करके पढ़िए, माँ के पैर छुइए और पिता के पैर छू करके तब स्कूल जाइए, स्कूल के शिक्षकों का सम्मान कीजिए, प्रिंसिपल का सम्मान कीजिए। धनवान का जो सम्मान करता है वो धनहीन नहीं रह सकता है, और विद्वान का सम्मान करने वाला विद्वान बनता है, और याद रखना शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान करने वाला विद्यार्थी स्वयं एक दिन शिक्षक शिक्षिका बनेगा और स्वयं एक दिन बहुत बड़े अच्छे नंबर ला करके अफसर बनेगा। ये सम्मान और अपमान भी बहुत बड़ी चीज है, यदि आप संत का सम्मान करते हो ना तो आपके अंदर साधुता के गुण विकसित होना शुरू हो जाएंगे, और संत का अपमान करते हो तो आपके अंदर जो है राक्षसी अवगुण पैदा होना शुरू हो जाएगा। सज्जनों का सम्मान, माता पिता का सम्मान करते हो तो आप माता पिता से भी ज्यादा योग्य बनने की तैयारी कर रहे हो, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, माता पिता का भी आदर कीजिए। घड़ी कह रही है सत्संग को विराम की ओर ले जाइए, आइए। ये 8 चीजें विद्यार्थियों के लिए वर्जित बताई गई है, विद्यार्थी ध्यान से बैठे, कोई उठना नहीं, भागना नहीं, सुनते रहिए, आपका ही इसमें विकास होगा। और आज श्रोताओं को बहुत सी बातें सुनाई गई हैं, आज मैं बता रहा था 6 बातें जिसके घर में प्रिया च भाव्या, जिस घर में प्रेम करने वाली स्त्रियाँ रहती हैं, प्रेमी स्वभाव की है, जिन स्त्रियों के अंदर प्रेम ही प्रेम भरा है, और वे स्त्रियां जिस घर में रहती हैं उस घर में सुख निवास करता है, और जिस घर में क्रोधी स्वभाव की स्त्रियां रहती हैं उस घर में सुख नष्ट हो जाता है। प्रिया च भार्या प्रीवादिनी च, और जिस घर में प्रेम से बोलने वाली स्त्रियां और प्रेम से बोलने वाले पुरुष रहते हैं उस घर में भी सुख का निवास होता है। प्रेम से जो लेडीज बोलती हैं, लेडीज की भाषा भी अलग अलग है, कितनी लेडीज भोजन बनाती है तो अपने पति से बोलती है, भोजन रेडी छे, खावा माटे आओ, गुजराती भाषा बोलती है, और फिर बोलती है
अभी यूपी की लेडीज है तो ऐसे बोलती है, खाना है तो खा लो, भोजन बन चुका है, देर में आओगे तो मिलेगा नहीं। कमाल है, होटल में भी देर में जाओ तो मिल जाता है, ये अपना घर होटल से भी गाढ़ा हो गया, मिलेगा नहीं। ये भी देख लो, पति किसी काम में फंसा है, थोड़ा देर भी हो सकती है, इतना ज्यादा तुम क्यों नखरेबाजी कर रही हो। कितनी लेडीज ऐसे बोलती है, फोन कर देती अपने पति को, मैं भोजन बना चुकी हूँ, खा चुकी हूँ और तुम्हारे लिए टिफिन में रख चुकी हूँ, जब आना तब आना, टिफिन उठा लेना, खा लेना, टिफिन मांझ धोकर वहीं रख देना, अब मैं सो रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो नागिन बनकर डस लूंगी, मर जाओगे। हाँ, अब ये पति को इंग्लिश सुना रही है, ये कोई पत्नी है, कुछ नहीं है, ये सुपर्णखा है। अरे तो एक पति के लिए उठकर भोजन नहीं परोस सकती है, इतनी आलसी बन गई, निकम्मी कहीं की, काहे के लिए बन करके आई है यहाँ घर में, पत्नी मत बन, पत्नी वहीं रह जहाँ रहती थी, ये फालतू नरक बनाना है। कैसे उन्नति होती है, मैं छत्तीसगढ़ में प्रवचन कर रहा था, कोरबा जिले में दीपिका कॉलोनी में, तो एक कार आई, वो मेरी शुरुआत थी उस समय, तो कार से एक लेडीज और एक जेंट उतरा, प्रणाम करना चाहते थे, और मैं अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, ब्यास गाड़ी पर जा रहा था, मेरे को देर हो रही थी, तो किसी ने कहा थोड़ा रुक जाइए, प्रणाम करेंगे। मैंने कहा अब वहीं आकर प्रणाम करें, ब्यास गाड़ी पर, यहाँ प्रणाम बंद। अरे बोले बहुत बड़े आदमी हैं, तो हमने कहा बड़े आदमी है तो वहाँ नहीं आ सकते, तो वो जो लेडीज थी उसने कहा एक मिनट सुनो, तो बोले मेरा पति मुख्य अतिथि है आपके कार्यक्रम में, अब ये जितना कोयला खदान है इसका मेरा पति ही मालिक है, और ये आपके जो भक्त सत्संग करा रहे हैं ये मेरे कर्मचारी है, और मैं यहाँ मिलने आई हूँ, मैं कबीरपंथी हूँ, और मेरा पति राधा स्वामी का भक्त है, मैं कबीरपंथी हूँ, तो ड्राइवर लेकर आई हूँ और इसलिए आई है कि आपको बताना चाहती हूँ, कंठी दिखाना चाहती हूँ, तुम्हारा कंठी है मेरे पास, कबीरपंथी हूँ, तुम्हारे कबीर के गुरु ने दिया है, कबीर के संत ने। हमने कहा ठीक है। बोले पूरा पूरा 2-4 हजार ट्रक चल रहा है कोयला के लिए हमारा, अब बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन मैं वहाँ आऊँगी तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा, वो मुख्य अतिथि है, मैं उसमें घुसड़ के बैठना नहीं चाहती, इसलिए दर्शन यहाँ करने आई हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा अगले दिन आना, बात करने में ज़्यादा टाइम लगा, तो फिर वो आई अगले दिन, तो मैंने कहा तुम्हारी उन्नति हुई कैसे ऐसे, तो उसने कहा मेरे पति यहाँ पर 400 रुपये महीने की नौकरी करते थे, सुनना बात ध्यान से, इसी कोयला खदान में, लेकिन मेरा पति धीरे 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 काम करते करते कभी कभी रात को 3 बजे वो ट्रेन पकड़ता था कोरबा से दिल्ली के लिए, कुछ परमिशन कराने के लिए जाता था, तो मैं 3 बजे ट्रेन पकड़ता था, तो मैं 2 बजे उठ करके ताज़ा भोजन बनाकर, पराठे बनाकर, सब्जी बनाकर, टिफिन पैक करके और पति को स्नान कराकर और उसको विदा कर देती थी, बाद को उसके कपड़े धोती थी और सफाई करती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरा पति बासी भोजन खाए या अपने आप चला जाए, हम सोती रहें, और या कि हम पति से गुस्सा करें, कभी नहीं किया। तो गुरुदेव 400 रुपये महीने की नौकरी करने वाला पति धीरे 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 इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हुआ है कि 1000 ट्रक चल रहे हैं और 20,000 लोग नौकरी कर रहे हैं हमारे अंडर में, और इतना धन है कुछ पूछो मत। अब ये कहाँ से धन आया, तुलसीदास को याद करना पड़ेगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नामा और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। हर वाइफ को चाहिए कि अपने पति को रिसीव कर ले, जब आए तो रिसीव कीजिए और इतना शब्द कहिए आइए पधारिए आपका इंतजार है, उनके लिए थोड़ा जागिए, और करना क्या है जिंदगी में, थोड़ा नींद ज्यादा आएगी, दिन में 1 घंटे सो लेना, लेकिन इस कार्य को एडजस्ट कीजिए। और जिस स्त्री का पति खुश है और जिस पति की पत्नी खुश है उसके घर में सुख शांति और संपत्ति की कमी नहीं रहती है, जहाँ आपस में तकरार है, आपस में दरार है, आपस में दीवार है, वहां पर याद रखना
ना सुख रहेगा, ना शांति रहेगी, ना संपत्ति रहेगी, वहां दरिद्र आकर के डेरा डालेगा। इसलिए आपस में सुमत बनाओ। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जहां सुमति तह संपत्ति, क्या बात है, ऐसे सुमति आपके घर में आए। जिन आश्रमों में साधु साधु में सुमत है वहां की उन्नति खूब होती है। मैं अपने आश्रम से कभी कभी सुबह जल्दी निकलता हूं, लेकिन वहां नाश्ता ताजा रेडी कर देते हैं, भोजन रेडी कर देते हैं, संत लोग 3 बजे उठकर रेडी कर देते हैं। ये जो संत बैठे ये कोई साधारण संत नहीं, ये बहुत ही श्रद्धावान संत है। ये संत है जो हाथ जोड़ संत, ये 2 बजे रात में भोजन की जरूरत हो 1 घंटे में भोजन रेडी ताजा, वो संत है। वो तो कभी भी रेडी करना हो, भोजन खत्म हो गया वो बना के तैयार करके 4 को खिला के फिर से खा लेता है, कभी शिकायत नहीं। वो संत है, वो भी भोजन फर्स्ट क्लास, ये दोनों ड्राइव भी करते हैं गाड़ी। ये संत ये भी ड्राइव करते हैं, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, ये साधारण नहीं है। 5 मंजिल 4 मंजिल का आश्रम बनाया है नेपाल बॉर्डर पर आपने, ये संत है। ये नया है भी, लेकिन हर काम करते से वो संत है। राजस्थानी है, बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत चुस्त दुरुस्त है, दौड़ के सेवा करता है, किसी के नाश्ता वास्ता खाता ही नहीं, बस केवल रोटी दाल चावल सब्जी खाता है, ऐसा है वो संत है। अभी सेवा में लगा रहता है, रात में जरूरत हो आधी रात को उठ के खड़ा हो जाता है। ये संत 14 साल से ये मेरे सामान के प्रबंधक है, सब सामान। दिनकर दास आंध्र प्रदेश बॉर्डर से है, 14 साल से। ये जिंदगी भर रहेंगे, जिंदगी भर रहोगे? हाँ जिंदगी भर जिंदगी भर रहना चाहिए, इधर उधर पैतरा क्या बदलना है, भाग भोग करना, खाली खुराफात मचाना, ऐसा संत है। उस गाड़ी के अंदर जो संत है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, भारी दिमाग है, ये सब माइक की आवाज वीडियो संचालन अंदर से हो रहा है, यहाँ कोई मशीन नहीं दिख रही है, अंदर झांक कर देख लेना क्या सिस्टम है उसका। वो उसी में सोते भी हैं, उसी में खाते भी हैं, और उसी से वहीं से सब मशीनों को चलाते भी हैं, और कंप्यूटर नया कंप्यूटर असेंबल्ड भी करते हैं, और साथ में ये कोई माइक वाइक बिगड़ता उसको बनाते भी वहीं, कहीं दुकान पर नहीं ले जाते, यहीं बनाते हैं, वीडियो कैमरा खोल देते हैं पूरा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। उसका नाम सील कर दिखाऊंगा, बुला दूं, हाँ वो अभी तक देखा ही नहीं कोई नहीं उसको, आ जाओ देख लेंगे लोग, उसको बोलना पड़ेगा बोल। वो कहता मैं किसी को दिखाने नहीं चाहता हूँ मैं कैसा हूँ, आता नहीं है, नाम नहीं चाहिए उसको, नाम की इच्छा नहीं है। जैसे ये स्वामीनारायण पंथ क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्यों विकास हुआ, इसका कारण है, इसमें सब योग्य संत हैं, क्वालिफाइड संत है, एजुकेटेड संत है, समझदार संत है, बुद्धिमान संत है, मेहनती संत है, और साथ साथ स्वामीनारायण पंथ में ये विशेषता है, एक बड़ी विशेषता मैंने उनकी देखा है, स्वामीनारायण पंथ का गुण मैं उनका लेता हूँ कि एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं आपस में बहुत ज़्यादा, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और दिमाग काफ़ी लड़ाते हैं वो लोग, हाँ वो साधु है लेकिन बड़ा खतरनाक दिमाग है उसके पास, सब काम करते हैं फटाफट, और बहुत उन्नति हुई है। तो जो काम करेंगे मेहनत करेंगे उन्हीं की उन्नति होगी, बाकी उन्नत पुन्नत कुछ नहीं होगी। अभी संत को बुलाया हूँ, आया नहीं आया, आजा आजा, आ रहा, देखो कितना बड़ा संत है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, उसका नाम सीलकर दास, सीलकर, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, मान जाओ, मनाना पड़ेगा ना, आ जाओ, देखो कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया है ये संत, देखो ये संत बुजुर्ग संत,
उड़ीसा बॉर्डर का संत। ये संत आरती कराना, आरती में दान को चाहे तो डिब्बे में डालना, सुबह भोजन बनाना फिर खिलाना सबको, ये संत है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। देखो पीछे जो स्क्रीन लगी है इन्हीं की देन है। स्क्रीन देखो ना, है चल रही है। इसका फ्रेम भी इन्होंने बनाया है। ये जो फ्रेम है प्लाई मंगाकर बोडेली में अपने आप तैयार किया है सिस्टम से, वो कभी फूटेगा नहीं, सेटिंग कर दिया, चारों तरफ उसका गद्दा लगा दिया, फिट कर दिया। ये कारपेंटर का भी काम जानते हैं, ये ट्रक भी चला चला, सब गाड़ियां भी चलाते हैं, भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, गोटा भजिया टाप की बनाते हैं, हाँ कढ़ी वढ़ी सब्जी बहुत अच्छा, और पकौड़ी प्रेम से खाते भी हैं, और साथ में गाते भी अच्छा है, प्रवचन भी अच्छा सुनाते, भंडारी भी अच्छे हैं, हमारी सेवा भी अच्छी कर लेते हैं, एक्स वाई जेड पूरा ऑलराउंडर व्यक्ति है, हाँ सब कार्यक्रम। इसमें ऑलराउंडर बहुत सारा संत बैठा हुआ, ऑलराउंडर ही है, प्रवचन भी बहुत अच्छा सुनाते हैं।